फटा हुआ है ये मोटे, मेरा कलेजा फटा। तूने मेरे को एक बार भी सॉरी बोला? सॉरी क्यों, मैंने लंच चूस ले सॉरी कर दिया बोलूं? तूने बहन के लोड़े उनके जाके कट्टे वहां पे चूम लिए और तेरे दोस्त के बारे में वो गलत बोले भोसड़ी के, तेरे को सुना नहीं, तेरे कान क्यों नहीं फटे उस टाइम पे? किसी ने भी सूफी के लिए गलत हो लाइव पे बता दे, मैंने यूं नहीं बोला कि सूफी के लिए कोई गलत बोल रहा है। अरे वो मेरे बारे में बोल रहे थे, तेरे को सुना नहीं उस टाइम पे मेरा नाम? पता नहीं है मेरा नाम क्या? बहनचोद कल मोहित ने एक बार ही बोला, मैंने तुरंत बोल दिया, मैंने बोला मेरे सामने मत बोलियो, अपना दोस्त है। तो मैंने भी बोला यार लाला मेरी बात तो सुन यार, तू ऐसे क्यों करता है? हेलो ओए पनोड़ी भाई, देख राहुल, उसने हिंदू धर्म के लिए गलत बोला है, वरंडी ने एनिमल्स के लिए बहुत गलत बोला है उसने, ठीक है? और बात रही उसके कैरेक्टर, सुन बात रही भाई, बात रही राहुल उसके कैरेक्टर की, भाई वो बंदी ने एक क्लास में मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, 15 बार मैंने उसको नंगा किया वीडियो कॉल पे। वो तेरी मर्जी है, तू उसे चोद उसके बच्चे का। और ये बैंटी लोड़ी वहां पे आके भैंचो सराइफाई का टोला पहन के भैंचो लोगों को बोल रही है मैं तो ऐसी नहीं हूँ वैसी नहीं हूँ, और तेरी माँ का भोसरा, तेरी मादर चोद, 15 बार तुझे नंगा किया, तेरी गांड खोल को, ये कैसे गांड दिखाती थी? मैं दिखाता हूँ मैं क्या करवाता था, देखो दिखाता हूँ तुम लोगों को मैं क्या करवाता था इसे, क्या हुआ? हाँ। तेरे बाल गुंजल हो गए। देखो भाई, मैं उसको ये बोलता था, गुंजल हो गई भाई, मैं इसको ये बोलता था कि तेरी फटी हुई चूत में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तेरी चुतका तो भैंसो गुड़गांव बन चुका है, मुझे तेरी गांड पसंद, इसलिए मैंने तुझे इतलाक दी है भाई। मैं इसको तुम मुझे लोग मुझे मैसेज कर रहे कि राहुल आपने भगवान के लिए उल्टा बोला, मैं कभी नहीं बोल सकता। अरे तुझे स्टैंड लेना भाई, कम से कम राहुल तुझे स्टैंड लेना चाहिए भाई। मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो शेरनी से मजाक करने गया था। अभी तक तूने वीडियो देखी थी, अभी तू कह रहा मुझे पता नहीं, इतना झूठ मत बोल, भगवान को जान लेगी, साले सुनूंगा मिलेगी तेरे को लास्ट में। मेरी दोस्त है, अगर उसकी लड़ाई है नहीं, और क्या होता है कि हो सकता है ना कि लाइव में जो बंदा नहीं आता तो वो एकदम से गया और उसको पता नहीं है और वो इस बारे में बात कर दिया, बस ये दिक्कत है। ये थोड़ी होता है यार बाबा की बेंचो, मुझे सारी चीज पता हो। हाँ हाँ वही वही, अब जो आपका मन है, मुझे गालियां बकनी है, बको जितने मां चुदानी है। नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा भाई, गाली कोई नहीं दे रहा, मैं कोई गाली देने नहीं रहा, ठीक है? राहुल गुलाब तेरे लिए भाई, बाकी शेरनी के, बाकी शेरनी के लिए भी मत बोलो, शेरनी कुछ नहीं बोल रही आप लोगों को। नहीं नहीं, बात शेरनी को सारी सच्चाई जाननी चाहिए पहला, उसके पास वीडियो भी गई होगी ना ये कुत्ते की और हिंदू वाली, वो कैसे बोल सकती है कि मैं कुछ कर रही हूं? सही का फोन आ गया तो मैं लाइव आया, और मेरे को लाइव आने का मतलब था पनोड़ी तू 200 गालियां बकता रहे, मेरे को फोन आ गया भाई, मैं क्यों गाली बकू? मैं तो ऊपर से ये बोलूंगा कि भाई इसका आने वाला सॉन्ग है, सब लाके इसका सॉन्ग देखो भाई, मैं मुझे क्या लेके जाना है दुनिया से बता, तो और मैं स्टोरी भी लगाओ सबको। अरे भाई मैं तो ये बोलूंगा कि इसका भाई इसका नया सॉन्ग आ रहा है, इसका राहुल का कोई नया सॉन्ग आ रहा है भाई, सब इसको सपोर्ट करो 2000 लोग भाई, मैं तो ये बोल सकता हूँ, मैं क्यों तुझे गाली दूं फालतू में? हाँ तो बट ठीक है भाई, तू अपनी स्टोरी हटा, स्टोरी में कुछ टाइम ने क्या हटा है, क्या है क्या स्टोरी में? तू भोसड़ी के बनोड़ी यूं बोल रहा है कि ओए बहन के लोड़ो चुप रहो बनोड़ी, तू स्टोरी लगा रहा है और तू बोल रहा है कि किसने बोला लोग बताओ, यार मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया। अरे बाबा यार, उस स्टोरी में मैंने गाली लिखी, मैं तूने गाली तो अल्लाह को भी बकी है, बंसी वाले को भी बकी है, जब अब वो था क्या कहते हैं वो अक्की, मैंने गाली नहीं बकी थी, वो उल्टी कंट्रोवर्सी लोगों ने मेरे पे थोप दिया, किस निकलेगी लेस निकलेगा। हाँ मैंने ये बोला था, वो लड़की जो लेडी आई थी लाइव पे, मैंने ये बोला था हाँ के भाई तुम्हारी पिचकारी निकलेगी, ऐसा कुछ मैंने उस लेडी को बोला था, लेकिन लोगों ने हटो, मैंने तो उस लेडी को बोला था ना, उस लेडी का और कृष्ण का क्या लेना देना? अब तेरे को मुझसे कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए, मुझसे क्या चाहिए तुझे ये बताना? अरे राहुल मुद्दा मत घुमा तू, फालतू बात मत कर। अबे मुद्दा नहीं घुमा रहा मैं, फुद्दा घुमा रहा हूँ।
और तेरे को फुद्दा ही मिलना, फुद्दी नहीं मिलनी तेरे को। मुझे चाहिए मिलनी, मेरे को इंस्टाग्राम पे किसी से नहीं मिलना। तू स्काई की माँ को लड़ दे या महाजन को लोड़ा चूसा, तू अपना काम कर तेरा जो भाई, 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 मैं तो, भाई सुन ले भाई, तू तो एल्बम बनाता है, तू तो सॉन्ग बनाता है, लेकिन तेरा भाई ये यहाँ पे हिंदुओं के लिए खड़ा है, समझा? अभी तक बैन तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो माधव चोर ने कितना गलत बोला उसने हिंदुओं के लिए। तू हिजड़ों के लिए आ रहा है क्या, बधाई मांगेगा क्या? कौन से हिजड़ों के लिए? तू तो कह रहा है हिजड़ों के लिए आता हूँ, अब तूने बोले बाबा हिंदू बोलता मैंने। अरे हिंदू बोले हैं भाई, हिंदू बोले हैं, हिजड़े कहाँ से सुन लिए? किया क्या मोटे तूने? बैन चुदरी नजर आ गया स्काई को हिजड़ा बोल रहा है तो सही है। हाँ वो हिजड़े ने, हिंदू हिजड़ा नहीं होता, हिंदू शेर होता है। नहीं नहीं वो हिजड़ो, वो हिजड़ी ने हिंदुओं के लिए गलत बोला है, ठीक है, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें, वो वीडियो आ गई, ये तू पनौली ठीक कह रहा है। तो यार मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत बोल ही नहीं रहा हूँ, तो वो बूढ़ा भोतड़ा को भी समझा दे, तेरी दोस्त है तो। अरे बहन चो कैसे लोगों का, सुन उसको मैं समझा दूंगा, वो तेरे लिए गलत नहीं बोल रही। भाई देखो राहुल भाई, मैं कोई गलत चीज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे इसने हिंदू के लिए बोला है, वो अच्छी औरत है, बदतमीजी। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कोई मुझे छेड़ता जब ही लड़ती है वो। हाँ तो मेरा क्या मतलब है उससे, अगर वो बोलती है कि मैं तो पंडित की लड़की हूँ। तेरे को मेरी एक वेडिंग दिख गई, दुनिया तेरे को 10 गालियां बकरी, तेरे को वो नहीं दिखा है ना? अरे भाई मैंने तो स्टोरी में, लेकिन तेरे बारे में क्या भाई उल्टा लिखा है? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है, मैंने तो इतना ही लिखा है कि मेरा नाम सबसे ऊपर रहेगा। आज तू उल्टा तो मेरे बारे में ही बोल रहा है भाई। भाई देख राहुल, मैंने उल्टा इसलिए बोला कि मैंने, वो बंदा तुझे गाली दे रहा था वहां पे, मैंने तेरा सपोर्ट किया, सूफी ने तेरा सपोर्ट किया। भाई तुझे सच्चाई पता नहीं है, कुछ तुझे पता नहीं है, तू वहां लाइव पे जाके बेंच और वो देशद्रोही को सपोर्ट कर रहा है। अरे मेरी बात तो सुन पनौड़ी, मैं लाइव पे गया, मैंने हंसी मजाक करी, तुमने वो तो नहीं देखा, तुमने बेंचो एक वर्डिंग मैंने बोल दी वो देख लिया। व्हाट डू थिंक अबाउट दिस? यही इंग्लिश आती है। अरे बाप रे इंग्लिश। और यार ये लोकेशन मत दिखाओ, मोहित चौधरी पहुंच जाएगा, वो गाड़ी लेके घूम रहा है अभी। हेलो बचाओ 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 वो गाड़ी लेके घूमता ही रहता है वो बंदा। गाड़ी में थोड़ी देर में तेल खत्म हो जाएगा भाई। दिल्ली में भाई वो क्या नाम था गुजरात वाले लड़के का, नाम क्या था उसका? डीके मामा। लेकिन अच्छा वो मेरे लिए संजय, संजय संजय पनौड़ी मेरे लिए भाई, मैं नहीं बोल के बाद मेरे को मैं क्यों बोलूं? ओए सुन ले भोसड़ी, बात सुन ले, अब मेरा गाना आ रहा है। मैंने स्काई को मैंने 15 बार ऐसे करा, अब किसी की, अबे तू स्काई को छोड़ या किसी को, ओ माय गॉड, एक मिनट, वाओ ऐसे करके मैं बोलता रहा कि ऐसे हाथ करके ऐसा बोल दो इसको, बोलो शंकर भगवान ने की, बोलो शंकर भगवान ने की, हर हर महादेव। हमें भाई पंडित के दूत है और जिनको ही भूत है, जो ज्यादा बोलेगा उसकी वाकई भूत है। और देख लो सारी वीडियो वायरल होती है पंडित जी की। भाई देखो ऐसे नारे लगते हैं तो मेरा भी दिल खुश हो जाता है। हाँ दिखा जरा तेरे भाई दोस्त वोस्त, दिखा भाई, मिलवा किसी से भाई, पनौड़ी को मिलवा। हेलो ओए सारे सब 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 राम राम करो, राम 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 जय बोले की भाई जी है। एक अच्छा वाले घूम रहा है नीला कच्चा, तेरा नीला कच्चा ओए। अरे सारे भतीजे, सारे भतीजे, सारे भतीजे है। जय महाकाल भाई पंडित है। हेलो कहते हैं हवा चलेगी जोरों की और गांड फटेगी कमजोरों की, समझ गया? कहते हैं दोने पर माल खिलाया जब तुमने प्यार किया, एक मुसीबत हम पे क्या पड़ी तुमने तुझे यार किया। सही बात है, सारी मुसीबत की जड़ ये रखती है भाई। देखो बंदी हो बंदा हो, राहुल के लिए कोई भी ये नहीं बोल सकता
कि राहुल कभी भी मुझे, मैं सूफी को एक ही बात कहना चाहूंगा, सूफी ने मेरे को एक वीडियो भेजी, मुझे सूफी उसके लिए बुरा बुरा लगा कि उसने ये बोला कि कुत्तों की ये करी वो, दरवेश के आगे कोई कुछ नहीं है। सही बात, मैं एक ही बात बोलूंगा, और बाकी पनोड़ी तू गांड मरा मेरी बेटी को गाली बक, बच्चों बक, अरे नहीं वो बकूंगा, पागल है तू भोसड़ी के, मैं पागल हूँ जो मैं क्यों बकू भाई गाली फालतू। अरे एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसके लिए बुला के बात कर लिया गया, कुछ नहीं लोगों लोग मुझे हजार डीएम करते हैं कि राहुल लाइव चला के तुम्हें गाली दे रहा है, मैंने आज तक तुझे फोन किया भोसड़ी के, मैंने कभी गाली नहीं की तुझे। अरे मतलब के लोग तो बोलते हैं भाई, लोगों का काम है, लेकिन सुन मुझे भाई इतना टाइम हो गया भाई, मैं तेरी वीडियो भी देखता हूँ, तेरी रील भी देखता हूँ, ठीक है, मतलब के अभी एक रील तुम बना रहे थे, वो ब्लैक कलर का कोई बंदा गन बन लेके नीचे मतलब वो फायर कर रहा है, तो भाई देख यार दुश्मनी कोई नहीं होती भाई, हम दोनों में एक चीज है भाई, हम दोनों में दुश्मनी है लेकिन हम दोनों में कभी मतभेद नहीं है। मैं मानता हूँ मैं आऊंगा डेली, तू भोसड़ी के मारेगा मुझे, मुझे ये भी पता है, ठीक है, लेकिन तू मुझे जान से नहीं मारेगा ये भी मुझे पता है। पंडित रोटी खिला के भेजेंगे, ऐसा नहीं, हाँ ये झूठ है, ये झूठ है ये बात। देख भाई राहुल, देख मुझे कोई मतलब नहीं है भाई तुझसे, मैं तो चाहता हूँ कि भाई तूने इंस्टाग्राम छोड़ दिया, और भाई तेरी तेरी वीडियोस, तेरी जो भी मूवीज आए, पिक्चर्स आए या गाना आए, भाई हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई बैंड चोर रिकॉर्ड तोड़ फाड़ दे, ठीक है, मतलब के बात रही है स्काई की, तो ये आसमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं मादर चोर को, इसने हिंदुओं के लिए बोला है ना, इसको ऐसा जवाब दूंगा बहन की लौड़ी को, मैं आज इसकी कॉलेज तक घुसूंगा मैं भाई, मैं इसका आज कॉलेज का फोन नंबर पिन करूंगा, इसके यारों दोस्तों का सब लोगों का नंबर आ चुका है मेरे पास, आज इसकी नंगी वीडियो में लोगों को वायरल नहीं करूंगा, मतलब उसके फैमिली वालों को भेजूंगा मैं, कैसे ये गाड़ खोल दी। आज पनोड़ी एक बात बता, हिंदुस्तानी भाऊ टीनू यादव, जब हमारी लड़ाई थी तो हम दोनों साथ थे, हाँ, और दीपक कलाल अपने आप पीछे हट गया था, सच बोलियो, हाँ, अब तेरी मर्जी है, जो तेरा दिल है वो कर। अरे मैं क्यों यार तुझे गाली, भाई मैं स्टोरी हटा रहा हूँ, एक मिनट ये लाइव खत्म होने दे, मैं स्टोरी हटा रहा हूँ, भाई मैं क्यों तुझे गाली दूँ, मेरी स्टोरी मत भी हटा, मेरी तेरी स्टोरी लगने से एक फायदा और हो गया ना, मेरा 700 के अकाउंट रिचार्ज थी, तूने स्टोरी लगा दी तो 1,000,000.3 हो गए, मुझे फायदा ही है, मेरा जादू यही है, मेरा जादू यही है, फेम है ये मेरा, 300 के ही तो आए, 700 के तो मेरे भी है, 300 के तो आ गए ना, एक स्टोरी से ही आ गए, मैंने तो ना कभी आज तक तेरे गाने की स्टोरी लगाई, ना कभी तेरे मूवी की स्टोरी लगाई। अब मैं पंडितों के लिए एक गाना कर रहा हूँ, सारे भाई स्टोरी लगाएंगे, बोले ठीक है ना भाई, सोचो मैं, हाँ पक्का डन, मैं तो देखता नहीं हूँ लेकिन आज मैंने देखा सुबह में भाई, मैं स्टोरी कल मैंने लगाई थी, बाबा बताए 60,000 के अकाउंट वाले को कितने लोग स्टोरी देखते होंगे, तुम क्या मानते हो, मेरे को आपका पता है 30,000-35,000 स्टोरी व्यू जाते हैं आपके, 39,000 लोगों ने स्टोरी देखी, 39,000, मैं तुम्हें स्क्रीनशॉट भेजूंगा बाबा, ठीक है टाइम, लोगों की तरह 200 के नहीं है वो, 200 के वाले मैं जानता हूँ कितने में है। अरे ये सूफी भाई को बोल रहे हो क्या, जो 100 के का ऐसा कुछ, सूफी के 100 के, 200 के वाला दूसरा है, सूफी तो ऐसा लग रहा है ब्लू फिल्म का हीरो। भाई म्यूट करके क्यों बोल रहे हो कब से यार, हम तो माइक ऑन कर लो, अरे बताओ मत इसे आराम से, देखो हां बैठा तो भाई मैं तेरी गांड मारने के लिए, सोचा तूने सही है भाई, हां बैठा तो मैं पूरी तैयारी करके तेरी गांड मारने के लिए, अगले महीने लुधियाना आ रहा हूं, तेरी गांड फाड़ूंगा, वहीं पे बात करेंगे दोनों, अगले महीने आ रहा हूं लुधियाना, देखूंगा आजा भाई, नवार वाले मंजे पे लेंगे भाई राहुल तेरी, पहले तो मजेदार गांड थी पोली पोली बहन चोद, अब क्या सुकड़ सी गांड बना ली राहुल तूने, नीला कच्चा भाई तेरा अभी भी बड़ा फेमस है भाई, तूने जैसे ही राहुल आता है नीचे से नीला कच्चा भाई, नीला कच्चा वो नीला कच्चा तूने मेरे को जोश में दिलवा के दल्ले, तूने मेरी गांड मरवाई है, उस पे बहन चोद बड़े सारे व्यूज आ गए, नीला कच्चा बड़ा फेमस हो गया, बहन चोद नंगा बाबा, इसके मम्मी मुंबई बहन चोद नीले रंग का कच्चा, बहन चोद नाड़े वाला, खुद को बन रहा था हीरो, बहन चोद
हाँ बॉलीवुड का हीरो भाई, जब देखा बहनचोद ने साले नाड़े वाला नीला कच्चा डाला हुआ, वो भी फटा हुआ बहनचोद साइड से, बेइज्जती हो गई बहन की, इतने लटके हुए मम्मे भाई इसके। आजकल लाइव की रीच बहुत बढ़ गई है यार पनोड़ी भाई, नॉर्मल 2000 लोग बैठते हैं बहनचोद। हेलो, अरे कुर्सी छोड़ पंडित जी आले। अरे आज मैं थोड़ा ज्यादा, मैं आज लाइव भी मैंने मतलब कि अर्ली स्टार्ट की ना, हर रोज मैं 12-12:30 बजे करता हूँ। और दूसरी चीज, आज अपन लोग उतने जोश में भी नहीं चला रहे हैं, लाइव नॉर्मल चल रही है। नहीं इसकी इसकी रीच बढ़ गई अभी इंस्टा की, सब सब जगह बढ़िया हो गया बाबा। अच्छा भाई इंस्टा भाई बैठे रीच बढ़े या ना बढ़े, हमारा भाई ये बैठा है हमारा, बोला इससे पूछ ले, एक एक आईडी पे मेरे 10 करोड़ व्यूज है, पूछ ले, ये बैठा है साथ में। भाई बताओ ना, बोले। अरे बता दिया भाई, अभी एक एक ही लाइव में 10 बार बताऊं क्या यार भाई, आए व्यू आए 10 करोड़ व्यू आए हैं। हमने तेरे को गाली देने के लिए बुलाया, तू चल गूंगे बहन के लोड़े, प्रमोशन कर रहा इधर आके, साले तेरे को गाली देने के लिए बुलाया था इधर, मत कर। अरे हाँ भाई, एक बंदा ले 10 करोड़ और कॉमेडी भेज रहा है, बोले आप बता दो, ये मेरे मजाक उड़ा रहे। नहीं नहीं सही में हुआ यार, व्यू आए हैं भाई, ये लास्ट बार बोल रहा हूँ यार, अब बार बार मत बुलवाओ यार। ठीक है भाई, सब भाई बाबा ये सस्ते ये सूखे नशे करने लग गया, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ मैं एक बात को 10-10 बार कह रहा है, अरे भोसड़ी के ये तेरी औकात नहीं, तू गांजा वांजा फूकता होगा भाई, को ऐसे रुमाल भाई गांजा के लिए मत बोलना, नहीं तो मेरे दुश्मन बन जाओगे, गांजा के लिए नहीं सुन सकते, दारू के लिए बोल दो। नहीं नहीं ओ जो रुमाल सुनते हैं, रुमाल सुनते वो है भाई ये, हाँ हाँ सिलोचन 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 वाला भाई, सिलोचन पनोड़ी चाय बनाने ले लिए 2 कप। अरे अभी मैंने बना के पी ली यार, हो गया ना। आप शॉप नहीं जा रहे हो क्या पनोड़ी भाई? क्या शॉप नहीं जा रहे हो क्या अपनी? हाड़ी नहीं जाने वाला हूँ, आज मैं ड्रग लेने वाला। अरे इसे हटा दिया काम, इसे काम से भगा दिया। आज मैं बाबा ड्रग लेने वाला हूँ, तो आज मैं दिहाड़ी पे नहीं जाऊंगा, आज मैं ड्रग लूंगा और आसमा को छुड़वाऊंगा उसके बाप से। अभी तो मैंने नई डॉल दिखाई लोगों को। आसमा या आसिमा? आसमा नाम है उसका, आसमा नाम है उसका, स्काई का रियल नेम है आसमा, आसमा नाम है उसका। आसिमा जो पहले आती थी पनोड़ी वही? नहीं नहीं नहीं, आसिमा अलग है, वो तो आसिमा कहाँ आती है, वो अब उसने तो कब का इंस्टाग्राम छोड़ दिया। तो वो कौन है आसमा कौन है? अरे स्काई का रियल नेम है आसमा, आसमा नाम है उसका। हाँ हाँ, उसकी कॉलेज से डिटेल्स मिली है मुझे, अभी और डिटेल्स मिलेगी, और इसकी सारी वीडियो में उसके कॉलेज में वायरल करने वाला हूँ कल, मतलब इंडिया की रात है ना अभी, तो 12 बजे। हाँ हाँ, तो कल सुबह में